बहुत अच्छे लोग हैं, वो हमने वहाँ पे बिजनेस किया है उनके साथ भी, हमारे साथ भी उन्होंने किया है। हम शीशा और ग्लासेस वगैरह वहाँ से लेके आते थे, यहाँ पे बेचते थे। वो करप्ट है तो करप्ट साबित हो रहे हैं ना। कौन करप्ट है? मोदी। कैसे करप्ट है ये भी बताएं। मेरा ऑप्टिकल का काम है शालमी में। अच्छा। फरमान ऑप्टिकल सेंटर से अब दुकान है, पहले मेरा फरमान ब्रदर थे, हम भाई चारे इकट्ठे थे हम। एक मेरा भाई जो ना मैरीलैंड में होता था बाहर। अच्छा। हाँ जी, वो फोत हो गया, फिर मैं ही सारे काम को हैंडल करता था शालमी में, हमारी सात दुकानें थी एनकों की। सही। तो ऑप्टिकल के हवाले से हमें जब भी हमने वीज़ा लेने गए हमें उसी वक्त वीज़ा मिल गया। तो 1983 में हम गए थे इंडिया, और बहुत अच्छे लोग हैं, वो हमने वहाँ पे बिजनेस किया है उनके साथ भी, हमारे साथ भी उन्होंने किया है। बात तो सही है। हम शीशा और ग्लासेस वगैरह वहाँ से लेके आते थे, यहाँ पे बेचते थे। खुद जाते थे लेने के लिए? जी मैं खुद जाता रहा हूँ, मेरा वाल साहब भी गए हैं एक मरतबा गए हैं। मेरे वाल साहब अमृतसर के रहने वाले महाजन हैं पीछे से, हम तो हम अमृतसर भी गए हैं, वहाँ पे सारे लोग जो जितने सिख लोग थे वो भी मिले हमें, जो और जनता टैक्सी वाले जो थे उनके हमारे मसाए निकले, अबू के हमारे के। अच्छा। हाँ जी, दादा हमारे भी वहाँ के थे, सारा कुछ हमारा था वहाँ पे। मतलब आपका आधा खानदान तो मैं कहूँ कि इंडिया से बिलोंग करता है, तो गलत नहीं होगा? नहीं, गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही है, ऐसे ही है। अच्छा ये बताएं कि आपने कहा कि आप ऑप्टिकल का भी काम करते हैं और उसका सामान लेने आप भारत जाया करते थे, अब तो खैर अगर बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत भी नहीं हो रही, ना ही पाकिस्तानियों को वीज़ा मिल रहे हैं, तो पहले कितनी आसानियाँ थी? मतलब आपने बताया कि आप कई बार भारत गए हैं और ऑप्टिकल का सामान लेने, इतना आसान था? बिल्कुल बहुत आसान था, अभी भी हमें अप्लाई करें वीज़ा हमें मिल जाता है, वहाँ से हमें लेटर आता है हमारी यूनियन का। अच्छा। हमारे पास लेटर आता है वहाँ से इंडिया से, जितने ऑप्टिकल के वहाँ पे हमारा हिसाब का मेला लगता है उधर। अच्छा। नुमाइश लगती है ऑप्टिकल के काम की जितनी भी है, तो उसके हवाले से हमें जाना पड़ता है और हमें वीज़ा उसी वक्त मिल जाता है। अच्छा, उस नुमाइश में क्या क्या होता है? उसमें कंप्यूटर होते हैं, लेंजोमीटर होते हैं जो एनकों को चेक करते हैं, नंबर वगैरह चेक करते हैं वो होते हैं, और ट्रायल बक्स होते हैं जो आई साइट को चेक करते हैं उसके साथ, वो भी होते हैं हमारे पास, वो भी। तो ये चीज़ें पाकिस्तान से नहीं मिलती जो आपको भारत जाना पड़ता है स्पेशली? हमारे बेबल जो पाकिस्तान में वो भी कुछ चीज़ की तैयार कोई भी नहीं हुई, कोई चीज़ तैयार नहीं हमारे पास हुई बेबल। हाँ जी, समझ रहे हो, वहाँ पे मिलती सारा उसके जो मटीरियल होता है ना वहाँ से ही आता है, इंडिया में से आता रहा। हाँ जी, सारा खाम माल इंडिया से लेकर आते हैं आप लोग? बिल्कुल, हम इंडिया से लाते रहे। तो ये सिलसिला कब से चल रहा है और अभी तक जारी है? अभी भी आप जाते हैं इंडिया? हाँ जी, उस वक्त अभी भी जा सकते हैं हम गए नहीं उसके बाद, लेकिन हालात उधर के जो हमें सही नहीं लग रहे हैं, बोलते हैं हालात सही नहीं है, लेकिन अभी आज भी हम जाए अप्लाई करें वीज़ा में उसी वक्त मिल जाएगा इंशाल्लाह। क्यों डराया जाता है कि इंडिया के हालात बेहतर नहीं है, हालांकि आप पहले भी जा चुके हैं और आपने बताया कि आपके बहुत सारे रिश्तेदार जो हैं वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, फिर आप एक बार नहीं कई बार जा चुके हैं और वहाँ की आपने बात की कि मेहमान नवाजी बड़ी अच्छी है, तो अब जाने का क्या डर खौफ है? हमें कोई डर नहीं, बिल्कुल कोई डर नहीं हमें, ना तो हमें उधर कोई तकलीफ होती है, ना हमें कोई तंग करता है उधर, बिल्कुल नहीं तंग करते वो लोग, अच्छे लोग हैं, ऐसी नहीं बात कोई। अच्छा, जब पहली बार इंडिया गए थे तो क्या फीलिंग थी, क्या जज्बात थे? वो तो ऐसे थे जैसे हम कैसे मुल्क में आ गए, हमें ये फील किया हमने, हमारे मुल्क से तो बहुत अच्छा मुल्क था वो। हाँ जी, देखा भी इतने इतने पुराने उनके जो बने हुए स्टैंड गाड़ियों के वो अच्छे हैं, अमृतसर का स्टेशन इतना अच्छा है, हमारे स्टेशन में बहुत अच्छा है वो अमृतसर का स्टेशन। जबरदस्त डेवलपमेंट की सर बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की डेवलपमेंट में कितना जमीन आसमान का फर्क है। ये बड़ी अच्छी बात कही है आपने। भारत के बारे में क्या कहेंगे, जो कंट्री उनको करप्ट बोलती थी आज वो खुद करप्ट साबित हो रहे हैं? तो करप्ट है तो करप्ट साबित हो रहे हैं ना। कौन करप्ट है? मोदी। कैसे करप्ट है ये भी बताएं। ये तो नहीं पता, लेकिन जब पता ही नहीं है तो हम कैसे जवाब दे देते हैं? बताएं मुझे, आपको कैसे लगता है वो करप्ट है? पता नहीं। आपको क्या लगता है, आपने जवाब दिया कि वो है करप्ट, तो आपको क्या लगता है कैसे, आप अपना बताएं। मुझे नहीं पता, इसलिए तो कह रही हूँ कि वो करप्ट है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, शुरू इस्लाम के खिलाफ है, इसलिए हम कहते हैं। क्या है? इस्लाम के खिलाफ है। इस्लाम के खिलाफ कौन सा कानून पास किया उन्होंने, बताएं। आपको लगता है जिस मुल्क मालदीव्स ने उनके साथ बदतमीजी की है अब वो खुद दुनिया में करप्ट साबित हो रहे हैं, भारत भी अब बंदरगाहों पर बैन लगा रहा है कि इन तक चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं की जाएंगी, क्या लगता है मालदीव्स को कितना फर्क पड़ेगा इससे? कुछ भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं। जरा सा भी नहीं फर्क पड़ेगा? थोड़ा सा ही पड़ेगा, ज़्यादा तो नहीं पड़ेगा, जरा सा ही पड़ेगा।
वजह से सॉरी बोलेंगे वो? नहीं नहीं बोलेंगे, ऑलरेडी वो बड़े पापड़ बेल चुके हैं। कॉन्फिडेंटली जवाब दो ना, स्टूडेंट हो, क्या करते हो? सेकंड ईयर में हूँ। सेकंड ईयर में हो तो कॉलेज में भी ऐसे ही रहते हो या वहाँ पर भी पार्टिसिपेशन है आपकी? नहीं, मेरी कोई पार्टिसिपेट नहीं है, मैं ऐसे ही रहती हूँ बस। तो ऐसे यूथ कैसे तरक्की करेगी जब तक हम एक्टिव नहीं होते? पढ़ती हूँ ना तो इसलिए कॉलेज नहीं जाती। कॉलेज नहीं जाती वैसे पेपर देते हो? अच्छा, तो आपको लगता है कि मतलब हमारी यूथ जब तक इस तरह से खुलकर बात नहीं करेगी या कॉन्फिडेंट नहीं होगी तब तक हम ग्रो कर सकते हैं? नहीं नहीं कर सकते, तो फिर थोड़ा एक्टिव हो जाओ। ठीक है, मैं तो एक्टिव हूँ। क्या क्या देखा इंडिया में जाके और क्या तसव्वुरात थे जाने से पहले और जाने के बाद क्या सोच आई? हमने दिल्ली देखा सर, जब आगरा गए हैं, हमने नई दिल्ली भी देखी है, जितने दिल्ली का शहर सारा हम घूमे हैं, अमृतसर घूमे हैं, जलंधर, लुधियाना, ये भी मैं दो जगह पे मैं भी गया हूँ। हमें किसी ने तंग नहीं किया उधर, बिल्कुल नहीं किया। हाँ जी, हालांकि मेरे पास वीज़ा नहीं था वहाँ का, हमें किसी ने पूछा ही नहीं। अच्छा, बगैर वीज़ा चले गए? नहीं नहीं, वीज़ा था ना वहाँ उस जगह का वीज़ा नहीं था। हाँ जी, जहाँ का वीजा आता है सिर्फ वहीं पे आप घूम सकते हैं? वहीं घूम सकते, लेकिन हमें किसी ने टच नहीं किया ना, हमें किसी ने पूछा भी आप इधर कैसे आए हैं। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आपको आज भी याद आती है तो आपका दिल खुश हो जाता है? बहुत सी बातें हैं, हमें सिख ऐसे मिलते हैं जैसे हमारे भाई हैं वो। अच्छा। हिंदू भी ऐसे मिलते हैं जैसे हमारे भाई हैं, हमारे से पिछड़े हुए हैं ना वो, लेकिन हमें तो बहुत प्यार दिया उन लोगों ने, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। हमें तो यही पता नहीं था कि हमारे जो दादा के हमसाये थे जनता टैक्सी वाले वो निकले हैं। हाँ जी, पता ही नहीं चला हमें, जब हमें इधर से टैक्स लग गया इंडिया पे जाते हुए वाघा बॉर्डर पे, तो हम बड़े परेशान हुए, तो जो साथ हमारे गया थे एक दोस्त हमारा वो शहजाद भाई, उन्होंने जब बोला कि इतना टैक्स लग गया, चलो आप तो खुश हो, मैं तुम्हारा मुल्क आ गया, अब यहाँ से तुम बिछड़ के गए हो। तो फिर टैक्सी जो चला रहा था उसने पूछा कहाँ रहते थे तुम, मैंने मेरे अब्बा जी ने बताया कि हम अमृतसर में रहते थे, वो अमृतसर हमें उनके घर ले गए सिखों के, वो हमें ऐसे मिले कि जैसे ईद का चांद हो जाता, ऐसे मिले जे हमें हर्षा ही भूल गई। मतलब बिछड़े हुए आपको मिल गए? बिल्कुल। अच्छा, डेवलपमेंट की बात करें तो आप 1980s की बात कर रहे हैं, तब भी इंडिया इतना डेवलप था? बिल्कुल, ऐसी बात है, वो हमारे से बहुत आगे भाजी, वो बहुत आगे हमारे से, ये तो आप तक सुई नहीं बना सके आज तक, ये क्या बनाएंगे, और सुई भी चाइना के लेते हैं, उन्होंने ली लेवल, हम बना के देते हैं सुई, हर चीज़ वो अपनी बनाते हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो बाहर से वो लेते हो, अगर एक चीज़ लेते हैं 10 बना लेते हैं वो। हाँ जी, अब नहीं वो कुछ भी लेते, अब हर चीज़ अपने मुल्क में बनाते हैं और दूसरे मुल्कों का एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, ऑप्टिकल के काम की बात करें तो क्या क्या आप वहाँ से लेकर आते हैं पाकिस्तान? हम लाए उसकी गेज होती है जो डाई के ऊपर लगाते हैं, ग्राइंडर कहते हैं ग्लासेस को, उसकी डाइयों को गेजे होते हैं वो लाते रहे, ट्रायल बॉक्स वाइज टेस्टिंग के लिए होते थे वो लेके आते थे, और लेंजोमीटर उसके ऐसे ऐसे बनाए उन्होंने, और होश गुम हो जाती हमारी देख के। अच्छा, कीमतें कितनी मुनासिब लगी? कीमतें बहुत कम है उनकी। अच्छा। कीमतें बहुत कम है, बहुत सी कम है, हम फ्रेम भी लाते रहे वहाँ से, बहुत कम है। हाँ जी, इधर वो फ्रेम ही नहीं बनता ना, इनके पास मशीनरी बारसी फ्रेम आते हैं, अब चाइना जो बहुत सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ को। अब आप इंडिया नहीं जा पा रहे तो आप फिर ये सामान को आप किस तरह मैनेज करते हैं? अब अजी चाइना से ले रहे हैं हम सारा चाइना से बहुत सस्ता मिल रहा है, पर जबकि ये हुकूमतों की आपस में चक्कर पड़ा है, हम तो नहीं गए उसके बाद। नहीं तो चाइना की चीज़ें रिलायबल होती हैं, क्योंकि चाइना के बारे में ना एक मुहावरा मशहूर है, चले तो चलती जाए वरना शाम तक बंद हो जाती है। भाजी वो ऐसे है कि चीज़ अच्छी से अच्छी बनाते हैं, कम से नाकस किस्म की बनाते हैं वो, इसलिए कि जितने पैसे देते हैं उनको वो ऐसी चीज़ बना देते हैं, आपके क्वालिटी जैसी लेने आपको देंगे वो, जितने आप पैसे देंगे, अगर 10 रुपए की चीज़ आप 5 रुपए के नहीं देंगे वो, आप उसको 12 रुपए दें और 12 रुपए वाली आपको चीज़ देगा, अवेलेबल करेगा आप देगा, समझ रहे हो? नहीं तो अगर हम बात करें चाइना और इंडिया की क्वालिटी की, तो क्वालिटी किसकी ज़्यादा अच्छी है, चाइना की या इंडिया की? चाइना की अच्छी है। तो फिर तो मेरा ख्याल है इंडिया के साथ अगर ट्रेड भी नहीं होती तो कोई मसला ही नहीं आप लोगों को? नहीं, अब कोई मसला नहीं, बिल्कुल कोई मसला नहीं। वैसे आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड खुलनी चाहिए, क्योंकि अभी आप देखें ना, आप सब्जी का काम भी कर रहे हैं ऑप्टिकल के साथ साथ, तो पहले अगर हम बात करें तो इंडिया से बड़ी सब्जियां आया करती थी, अब वो ट्रेड बंद हो गई जिसकी वजह से आवाम को रिलीफ नहीं मिल पा रहा। भाजी आज भी प्याज देना 15-10 रुपए किलो वहाँ पे बिक रहा, 15 रुपए किलो है, तो हमारे मुल्क में क्या 200 रुपए किलो बिक रहा प्याज, तो लेते क्यों नहीं दे? इधर से आता है, कश्मीर से बहुत आता रहा, टमाटर बहुत आता रहा हमारा, वो भी बंद हो गया, लेकिन तजारत तो बहुत अच्छी थी हमारी, बहुत अच्छा चल रहा था, दोनों मुल्कों का काम चल रहा था,
समझ नहीं क्या बात है इनके दिलों में, इनके क्या बात आ गई, क्या सोच रहे हैं ये लोग।